US, whether it was Mukho in Kedarnath or Inko in Atrangi, people have somewhere accepted you. There's always a relatability factor whenever you become a girl from the small town of India. You think these kind of roles give you a little more edge as a performer? See, honestly, ma'am, I don't know if it's about edge, but honestly, like all like jokes about, the truth is that I really relate to the pulse of my country very strongly. I've always grown up thinking of myself as a Indian desi girl from Juhu that lives with mama and doesn't really have frills and fancies and any filmy, you know, even friends really, to be honest. So one has always grown up not just knowing but also being very proud of my Indianness. But I think that's a more personal thing. I think what you're asking me is ultimately it's Gautusar's vision or Anandji's guidance or Lakshman sir's instruction that makes me feel like a character that you can relate to. I think that's what it really is all about, at least for me. शादी के एक दिन पहले I was drunk. शादी के एक दिन बाद I was hungover. Serious fact. Dinesh, what was yours? शादी से एक दिन पहले, शादी के एक दिन बाद. But वही है, शादी के एक दिन पहले या single, शादी के एक दिन बाद married. Exactly. मेरे असल जिंदगी में एक difference था कि मेरे बिस्तर पे एक और इंसान सो रहा था. हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ. हाँ. और मेरी बीवी ना रात को मेरे ख्याल से चलती है, like. Divorce नहीं हो जाएगी. How many people have had यहाँ पे love marriage media में? लव मैरिज विशाल सर हमारे हम कितने साल की बात नहीं होता है और एक वन लेडीज यहां ये सिंगल है सर हां विकी आप मुझसे तो बोल देते नहीं निकल तो भी अच्छा किन की लव मैरिज हुई है चार 40 सेकंड में इतना लेट क्यों हाथ उठाया भाई इतना लेट उठाया लव लेट हो गया कितने साल हो शादी को सर 11 years और अफेयर कितना टाइम रहा आपका? 1 year एक साल में शादी कर ली विकी ने गाड़ी खरीदी 8 मिनट टेस्ट ड्राइव किया उसका एक साल अफेयर से 11 साल से शादी चल रही है 12 साल हो गए आपको बीवी के साथ सबसे खूबसूरत चीज आपकी बीवी के बारे में जो आपको मेक्स यू फॉल इन लव विद हर एवरी सेकंड डे सबसे खूबसूरत चीज क्योंकि मिडिल क्लास की शक्ल से दिखता है मिडिल क्लास आपने बहुत कोशिश की है देख रहे हैं हाँ कितनी मेहनत कर रहे हैं कितना सारा ना कितनी मेहनत कर रहे हैं ये कोशिश है I think कि honestly बात क्लास की नहीं है I don't think that's fair but I think that झूठी इन्होंने कुछ कोशिश नहीं की मतलब लक्ष्मण उत्तेजक की चाल निकल गई है ऐसे ही बोलते हम हमारी पिक्चर देखते तुम्हें मिडिल क्लास दिखाने के लिए ये सच 600 तौलियों और मेकअप का सामान बहुत ही बिल भर के पागल हो रहा है ये बहुत नो फ्रिल्स नो शक्ल नो वीरे शक्ल तो कुछ नहीं कर सकते मेटल ग्रुप की शक्ल अलग नजर आती है उनकी हरकतें अलग होती हैं नहीं हमारा क्या है हमारे देश में ना गोरा चिट्टा बंदा मिडिल क्लास लग ही नहीं सकता एग्जैक्टली वो है तो सारा का प्रॉब्लम वो है पर अदरवाइज शी इज वेरी गुड हां वो देख ला 1600 का अब मैं जितना अमीर हो जाऊंगा मिडिल क्लास ही करूंगा आप वो प्रॉब्लम है नहीं आप लेकिन अच्छा लगा लेकिन हैंडसम का क्या मतलब मिडिल क्लास पीपल हैंडसम एंड गुड लुकिंग ये सही बात है ये सही बात बोली है तो कभी बोलो हैंडसम बोलो ना मिडिल क्लास लगता है वो बोल रहे हैं कि वो मिडिल क्लास लगते हैं आप बोल रहे नहीं हो वेरी हैंडसम इसका मतलब है कि हैंडसम और मिडिल क्लास ही हो सकते हैं मैं चाहता हूं मुझे ये बोले मैं चाहता हूं मुझे भी वही बोले एग्जैक्टली ये बात है शादी से एक दिन पहले शादी से एक दिन बाद व्हाट वाज द चेंज विकी इन योर लाइफ एक मैंने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया फिर तब से जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूं और वहां पे बार्गेनिंग बहुत करती हूं मैं बहुत भी चीप हूं मैं सारा की कहानी सुनाऊं ये सच में है हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म और अमृता मैम आई हुई थी साथ में लिटरली मैंने देखा है एक दिन ये अपनी मां को डांट रही थी क्या हो गया मुझे लगा कुछ पर्सनल था होगा बीच में नहीं पढ़ता हूँ ठीक है तो फिर उसके बाद मुझे क्या हो गया मेरी माँ ने H&M से 1600 की तौलिया लाई है तौलिया कौन खरीदता है 1600 रुपए का उसपे डांट यही है अपनी माँ को 1600 रुपए का तौलिया लेके आई है होटल से हमेशा लेके जाना चाहिए ना एग्जैक्टली इतने अच्छे अच्छी निर्माता, इतनी अच्छी होटल, वहीं से सौदा ले लेते हम, ये फिर बनते थे। वहाँ दिनेश जी कि हमारे होटल के लिए तो ज्यादा क्यों आ रहे, 600 करोड़ नहीं खाने में डालेंगे। बट तो कहाँ आप होटल से क्या क्या चीज लेंगे? तो फिर उस रियल लाइफ को यू नो ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना यू नो ड्यूरिंग दैट मोमेंट, टू जिसके बारे में बता सकते हैं? मन कर दिया ना तूने, सही यार। ठाकुर हॉटस्पॉट चले। देखो शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने, एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा हैं तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया पता ना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियाँ ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, वही कोशिश की है। वो जो चाय की पत्तियां मिलती है ना, ग्रीन की, आसाम की, ऑल ग्रे, ऑल व्हाइट, ऑल येलो, वो सारे में ले जाती है। वो लोग पीते हैं नहीं कभी भी, मतलब यू कैन कीप ना इन हाउस। विकी को उठाया होटल से कुछ ड्रेसिंग गाउन्स फ्रॉम टॉयलेटरीज, दो स्मॉल स्मॉल और शैम्पू कंडीशनर। आजकल इतने जलीले साले ट्यूब लगा लेते हैं कि पिचका तो निकले शावर जल के, तो साबुन भी देते हैं। कभी चला होटल से? नहीं, होटल से नहीं लिया मैंने। एयरक्राफ्ट से वो जो एलमंड के केस होते हैं ना, वो वाले, वो मैंने एक दो बार लिए, वो बड़े बड़े सही लगते हैं। लेकिन वो तो इंडिगो से खरीदे होंगे ना, तो वो हवाई जहाज इसलिए बनाते हैं एक्चुअली। हाँ यार सही बात, वो तो खरीदा हुआ होता है। वो हवाई जहाज इसलिए चलाते हैं, वो काजू बेच रहे हैं, काजू जैसे एक ही तरह है। अगर हम आप क्रैश कर देंगे, बड़ा काजू खरीदेंगे, आप होटल से कर लेंगे, जमीन है। खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है। सिर्फ पंजाबी पूछ सकते हैं एक क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले, शादी के बाद बहुत जरूरी है। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जाना, झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में, कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी। दिनेश उसको चाहिए कि जिम्मेदारी सिखा दी सर। जिम्मेदारी सिखा दी किसकी? मुझे। अच्छा, आपने जिम्मेदारी सिखा दी यार, क्या 12 साल कितना सिखाया। What is the question? How many people have a question about this? Sorry, there was one guy in the picture. Vicky के लिए question ready था। हाँ जी, करो पूछना करो। वो क्या है, 56 भी गए थे और वहाँ की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। You're from Indore, है ना? सौंफ डालते हैं ना उस पोहा में। बिल्कुल आएंगे यार, आधा घंटा चांस मारे यार, एक्चुअली मेरा पोहा तो मांग रहा है, पोहा दे, एड्रेस दे दो। लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनेश जी मेरा आपसे सवाल है। भावना बॉलीवुड। हां जी सर, आप बैठ जाओ, मैं सारा खा। अच्छा, क्योंकि ऑब्वियसली आई थिंक मेरे कलीग ने पहले पूछा कि इससे पहले जो भी आपने फिल्में की है उसके अंदर कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप रही है, बट इस फिल्म की शूटिंग आपकी शादी से पहले हुई या शादी के बाद? सर ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। 10 दिन शूटिंग के शादी से पहले हुई, शादी के लिए छुट्टी ली और शादी के 4 दिन बाद फिर इंदौर निकल गया इस फिल्म की शूटिंग करने। आई थिंक ही इज द फोर्थ एक्टर जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर ले लो। मैं कल बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. इसको करनी है, इसको करनी है। शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और you know Binda and now Sara and Zara हटके, why are you not getting along with your on-screen girlfriends and wives? देखो भरा बैठा 11 बजे से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। भगवान जो है ना लाइफ में संतुलन हमेशा देता है हर एक किसी को। तो जब मेरी रियल लाइफ इतनी शॉर्ट हो गई है ना कि कटरीना बन गई है, तो उन्होंने कहा भाई तेरी रियल लाइफ में हमेशा गड़बड़ रहेगी पर तेरी रियल लाइफ में शॉर्ट कर दूंगा। तो ये बैलेंस है लाइफ में। क्या बात है। लिया डेट नाइट्स, मूवी नाइट्स, वेकेशंस कितना इम्पोर्टेंट है कि पैसे खर्चना इम्पोर्टेंट है या एक दूसरे के लिए पॉसिबल करना इम्पोर्टेंट है कि आप टाइम दे रहे हैं लेकिन टाइम देने के बाद पैसा देना भी जरूरी है वरना प्यार तो खिड़की से बाहर दूर जाता है अगर आपके पास पैसे नहीं होते। हमारी पिक्चर में कपिल बहुत बड़ा कंजूस stingy miser. Give me an example. Do you think you're stingy in real life, Vicky? थोड़ा सा तो हूँ यार। Give me an example. जैसे soup 2 by 3, 1 by 2 order करते हो जाके। जैसे आपको कैटरिंग में बैठे होंगे एक 1 by 2 वेटर के तो गरीब। नहीं मेरा ना उसपे बड़ा हो जाता है कि वो खाना छूट जाए ना प्लेट में। हाँ। तो यार ये कहाँ जाएगा? इसको अनलेस इट्स राजमा। राजमा बचे हुए बड़े अच्छे लगते हैं कि अगले दिन काम आ जाएंगे राजमा। पर उसके अलावा यार ये सब और कुछ कुछ फर्नीचर भी घर पे हमारी काफी डिस्कशन होती है। जैसे मैडम को एक अभी बार चाहिए वहाँ आने के हम बार लगाए तो उन्होंने मुझे भेजा कि ये बार मैं सोच रही हूँ वो जितने का बार था मैंने कहा मैं खड़ा हो जाऊंगा लेके खड़ा ट्रेन में मैं ही पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा ये नहीं आएगा घर पे ये बहुत महंगा है भाई देख रहा हूँ कितना ये मेरा एक्साइटिंग अमाउंट है यार ये तो इसमें कभी नशा चढ़ेगा ही नहीं यार इतने की बात आ गई तो आंखों से आंसू निकल रहे हैं पैसे पीते नहीं नहीं ये हम इतने की कभी सेल पे जाकर सेल सर आप शॉपिंग करते हो कभी सेल